दूसरे साल भी इस साल के ईद के त्यौहार पर भी लगा कोरोना का ग्रहण। कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों ने अपने घरों में अदा की ईद की नमाज। पूरे नगर में कहीं भी नहीं दिखाई ईद जैसी रौनक। आज जनपद में ईद की नमाज ईदगाह पर नहीं पढ़ी गई, लोग अपने घरों में नमाज अदा की। पिछले साल भी नहीं पढ़ी गई थी ईद की नमाज। ईदगाह कमेटी ने गेट पर लगाया ताला, कोरोना काल की वजह से अपने घरों में नमाज पढ़ी गई। कमेटी का कहना है कि जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाना चाहिए। नमाज का वक्त होने पर डीएम रवीश कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव ने अपने काफिले के साथ ईदगाह का औचक निरीक्षण किया। डीएम रवीश कुमार गुप्ता ने साथ ही साथ सभी जनपदवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। रोल। आज ईद उल फित्र का दिन है, यानी ईद मुबारक, जो हम लोग एक महीने के रोज़ा रखने के बाद उसी की खुशी में आज इसकी स्पेशल नमाज अदा की जाती है, जिसमें मस्जिद में तो सीमित 5 लोग ही नमाज पढ़ें, लेकिन लोगों में इतना जोश उत्साह है कि अपने अपने घरों में लोग नमाज अदा किए और हर जगह अपने एतबार से लोग मना रहे हैं। आज के दिन हम कहते हैं कि पूरे दुनिया में शांति अमन रहे, इस कोरोना महामारी के चलते जो लोगों में अफरा तफरी है ये ख़त्म हो, हमारे हिंदुस्तान से ये बला जल्द से जल्द ख़त्म हो, इस बात की सब लोगों ने अपने अपने एतबार से दुआ की।